शुरुआत पवन सर आपसे करता हूं। बार बार दो चीजें हो रही हैं। आप देखिए संसद में भी जो नक्शा लाया है वो अखंड भारत वाला नक्शा लगा और एक तरफ हिंदू राष्ट्र, इन दोनों को मिलाकर देखा जा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई संत इस बात को कह रहा है, राजनीतिक व्यक्ति इस बात को कह चुके हैं, मोहन भाग जी इस बात को कह चुके हैं, समय समय पर रिपीट हो रहा है। तो पहले अगर सरल शब्दों में दर्शक समझना चाहे कि हिंदू राष्ट्र क्या होता है और अखंड भारत की डेफिनेशन क्या होगी, तो एक बार सरल शब्दों में दर्शकों को समझा दीजिए। पहले तो आपको और मेरा जो स्टीम पैनल यहाँ पर मौजूद है सब लोगों को, उनको प्रणाम मैं करता हूँ। और जो मैं कहने जा रहा हूँ सब वो भी अग्री करेंगे। देखिए विभाजन की एक तीस हमारे अंदर है, हम सब अंदर है, चाहे वहां पैनल में बैठे कोई भी व्यक्ति हो, तो हम हमेशा उस अखंड भारत की बात करेंगे। जैसे इसराइल के लोगों ने इसराइल की बात करी जबकि इसराइल उनके पास नहीं भी था, तो ऐसे और भी देश है। तो कहीं ना कहीं देश के नागरिकों की ओर तीस से उन्होंने देखा जिसके लिए वो मारे गए, कटे गए, 5 लाख से ज्यादा लोग ने अपने प्राण धोए, वो चाहे किसी भी कौम क्यों हो। तो कहीं ना कहीं हम उसको अभी भी अपने सपने में, अपने सपनों में उसको जोकर रखते हैं, हम उसकी दुआएं मांगते हैं। अभी भी हमारे तस्वीर में है कि भारत इतना बड़ा था, विशाल था, महान था, वहां राम राज्य भी था, सनातन संस्कृति भी वहां पर पुष्पित पल्लवित हो रही थी, और यह अखंड भारत की वो इमेज जो हमारे मन में है। और दूसरी बात आती है हिंदू राष्ट्र की। देखिए मुझे नहीं पता कि श्री देवेंद्र शास्त्री जी का हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब है। मैं जो हिंदू राष्ट्र से मतलब लेता हूं वो ये लेता हूं, एक ऐसा देश स्थापित होगा जहां पर भारतीय संस्कृति स्थापित होगी, संविधान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भाईचारा सहिष्णुता दोनों ही वहां पर होगी, लेकिन एक ऐसी संस्कृति जो भारत की पहचान है, जो हमें विश्व में आगे लेकर गई थी और लेकर जाएगी, उस संस्कृति का शासन यहां पर स्थापित होगा। यह हिंदू राष्ट्र है हमारा। कौन सर क्या हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा है उस पर संविधान बदल जाएगा, सिर्फ औपचारिकता रह जाएगी? देखिए ये एक माइंडसेट है, मुझे लगता है आपको इसको समझाना चाहिए। नहीं जी, ये एक माइंडसेट है। बाबा साहब ने भी जब संविधान को वो ड्राफ्ट कर रहे थे तो बहुत स्पष्ट कहा था, और पार्टीशन पर भी उन्होंने अपना स्पष्ट विचार दिन में कहा था कि जब धर्म के आधार पर राष्ट्र विभाजन हो ही गया है तो एक राष्ट्र में हिंदू ही रहे और जो मुस्लिम राष्ट्र है वहां मुसलमान ही जाए। ये तो बाबा साहब ने कहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब लोग रहे। और जिस सेक्युलरिज्म की बात की जा रही है 1976 में 42वें संशोधन के बाद आया, ये 61 से नहीं है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र, नेपाल में किसको गोली मारी गई, किसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और चौथी बात मैं कहना चाहूंगा, ये एक्सप्लॉयटेशन एक मानसिकता है पवन जी, इसे हिंदू ही रहे हैं। पवन जी, हिंदू में अनेक लोग हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं। पवन जी, क्या नेपाल तरक्की कर पाया? क्या पाकिस्तान तरक्की कर पाया? जिन्होंने, क्या बांग्लादेश तरक्की कर पाया? क्या श्रीलंका तरक्की कर पाया? आप देखिए जाकर के, ये देश तरक्की नहीं कर पाए। भारत ने तरक्की करी क्योंकि यहाँ का डेमोक्रेटिक सेटअप, यहाँ का सेकुलर सेटअप इस देश को आगे ले गया और इसको बनाने के लिए तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग थे जिसको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहते हैं, उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी, उन्होंने कौन सा एक मिनट, उन्होंने अंग्रेजों की मुखालफत नहीं करी। एक मिनट, जवाब दे आपके पास। कौन सा दो तीन पॉइंट्स हैं जो फजील अहमद और जवाद साहब ने कहा? जवाद साहब ने कहा कि जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आप बाबा साहब को थोड़ा सा किनारे कर देते हैं, पहला। दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशन और सेकुलर शब्द है वो भी खत्म हो जाता। फिर तीसरा, जब आप अखंड भारत की बात करते हैं तो फजील साहब कह रहे हैं कि क्या आप चाइना से लड़ेंगे, क्या आप पाकिस्तान से लड़ेंगे, क्या आप म्यांमार से लड़ेंगे, क्या आप नेपाल को मिलाएंगे? दो सवाल एक साथ, पवन सर। देखिए जहां तक नेपाल की बात है, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वहां मुसलमानों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, और भारत में भी नहीं हुआ। अखंड भारत की बात कीजिए ना आप, नेपाल की बात मत कीजिए। कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका और म्यांमार, आप अखंड भारत की बात कीजिए। आपने क्योंकि सवाल उठाया है फजील साहब और जवाब भाई, दो लोगों ने सवाल पूछा है, एक बार पवन से रिप्लाई कर लें, उनकी आप बात सुन लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। पवन सर,
राज्य व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, हम राष्ट्र व्यवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पर। राष्ट्र व्यवस्था होनी ही चाहिए क्योंकि मूलतः सनातन संस्कृति का ये देश है, तो वहां पर राष्ट्र व्यवस्था है, वहां राज्य व्यवस्था की बात नहीं कर रहे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिस्टमिक चेंज कुछ नहीं हो रहा है। अगली बात, अगर हमारा संविधान का मूल ढांचा सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष संविधान है, आप उसको ही बदल रहे कह रहे कि संविधान नहीं बदलेगा। हमारे संविधान की मूल जो ढांचा है, पहला 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 है कि आप मूल ढांचे को ही बदलना चाह रहे, धर्म निरपेक्ष पार्टीशन हुआ है तो सारे मुसलमान लोगों को पाकिस्तान जाना चाहिए, भारत में सारे हिंदू रहने चाहिए। दूसरी अजीब सी बात, दलितों का शोषण सबसे ज्यादा किसने किया है? जब आर्टिकल 370 था और 35A में दलित को केवल घर की सफाई और लोगों के अधिकारी नहीं दिया, भारत ने अधिकार दिया। हाँ, कमियां रही, कमियों से लड़ने वाले लोग भी हिंदू ही थे। अधिकार आपने नहीं दिया, 20 करोड़ हिंदू रहते हैं यहाँ पे, बस आपने अधिकार नहीं दिया। भारत के संविधान ने बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया, भारत के संविधान ने कोई आधार नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया, आपने नहीं कुछ दिया, आपने तो तिरस्कार दिया, अपमान दिया, लगातार आजादी से लेके आज तक आप अपमान कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, हमारे साथ नफरत की बात कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, आप दलितों को चप्पल नहीं पहनने दिया, आजाद भारत में कोई आदमी कुछ नहीं रख सकता, आजाद भारत में हमने कौन सर, ये एक कठिन काम है। जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे आपकी स्वीकारिता यानी हिंदुस्तान की स्वीकारिता बढ़ रही है, तो ऐसे में आप जो भी चीज पिच करते हैं, बाहर के देश भी आपको देखते हैं और समझना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, 5 साल बाद हिंदुस्तान कहां खड़ा होगा ये भी देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की स्वीकारिता है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है कि जैसे ही आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, अखंड भारत की बात करेंगे, वो एक नीतिगत बड़ा फैसला होगा, जब आप बात करेंगे तो उसमें सामने कठिनाई और बैरिगेट्स बहुत सारे आएंगे। पवन सर जी, मैं ये मानता हूं कि ये आसान बात नहीं है, और इसीलिए मैंने ये कहा अखंड भारत हमारी इच्छाओं का भारत है। मैंने ये नहीं कहा कि हम उसे एग्जीक्यूट करने चल देंगे, अभी बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं, वो हमारी इच्छाओं का भारत है, क्योंकि हमारे इतिहास का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी तो डिनाई कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बना सकती, माननीय मोदी जी भी नहीं बना सकते, माननीय गृह मंत्री जी भी नहीं बना सकते, उनको हटाइए, उनसे कहिए चुनाव लड़े और देश के प्रधानमंत्री बने और फिर अपना सपना साकार कर ले। लोगों का आकर के झूठ बयानबाजी करना, लोगों को बलगलाना, आप धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक बातें करिए ना, आप सियासी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर आप सियासी बातें कर रहे हैं आकर के, धर्म के अंदर सियासत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पवन सिन्हा साहब, आप बड़े दानिश्वर आदमी है, पढ़े लिखे भी है, समझदार आदमी है, अगर इस तरीके की बातें बाबा भागेश्वर धाम वाले करें तो वो धर्म को और राजनीति को मिला रहे हैं, और धर्म और राजनीति के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे जो है माहौल बनाने की देश के अंदर कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे बाबाओं को भारतीय जनता पार्टी ने चूस के छोड़ दिया है। तमाम ऐसे बाबा थे 2014 के अंदर भी, बाबा बहुत से उछल रहे थे, आज वो बाबा कहाँ है बोलते नहीं है, वो महंगाई के ऊपर ना, वो बेरोजगारी पे बोलते हैं ना, वो काले धन पे बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे तमाम बाबा हैं जो जेल के अंदर भी बैठे हुए हैं, और उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत चहेते थे 2013-14 के अंदर, तमाम चीजें देखी हुई हैं। तो आप पॉलिटिकल बयानबाजी ना करिए, देश को सेकुलर रहने के अंदर जो उसका फैब्रिक है, कलर है, खूबसूरती उसी में रहने, आप कल को और तीसरे बाबा खड़े हो जाएंगे, क्या देश बाबाओं से चलेगा? इस देश के अंदर न्यायपालिका है, इस देश के अंदर आपकी और जुडिशियल इंस्टीट्यूट वो सब खत्म हो गए क्या? सोचिए, छोड़िए, जाइए, आज आपको मैं, अरे यही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से उनका समर्थन नहीं करे उस बयानबाजी, आप कैसे समर्थन कर रहे हैं उनका? संविधान के विरुद्ध जाकर बात कर रहे हैं, और ये बात माननीय गृह मंत्री जी भी कही कि देश एक सेकुलर मुल्क है, यानी जो है सरकार सही काम नहीं कर रही है, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, और सरकार को हटाइए, चुनाव लड़िए, प्रधानमंत्री बनिए देश के, और जो चाहिए करिए आप, अब तो यही हो गया ना, संविधान से कहां चल रहा है देश?
न्याय मांगने के लिए लोग बैठते हैं सड़कों के ऊपर, उनको न्याय नहीं मिलता। और ब्रजचंद्र सिंह जैसे लोग सदन के अंदर बैठे होते हैं, यही तो चाहते हैं देश के अंदर? और क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन करना चाहते हैं देश के अंदर? इससे आगे देश नहीं बढ़ेगा, देश पीछे ही जाएगा पवन जी। अगर देश को आगे बनाना है तो सारे समाज के लोग, सारे धर्मों के लोग, सारी जातियों के लोग एक दिशा में, एक विषय में काम करेंगे, तब जाकर के देश आगे होगा। भारत सर्वश्रेष्ठ तभी बनेगा जब यहाँ के तमाम लोग मिल करके भारत जैसे खूबसूरत मुल्क को आगे बनाने के लिए करेंगे। लेकिन धर्म के आधार पर, जात के आधार पर लोगों को बांटना, लड़ाई करवाना, झगड़ा करवा करके अपनी सियासी रोड पे सेंकने के ऊपर देश पीछे चला जाएगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी से, ठीक है? देश आगे तभी तरक्की करेगा जब तमाम धर्मों के लोग साथ में मिलकर के आगे उन्नति की, प्रगति की बातें करेंगे, प्यार मोहब्बत खुलूस की बात करेंगे। आज आप बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की, आप 61 की बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म, ठीक है? 76 में आता आ रहा हूं, एक बार फजील अहमद साहब के पास जाना, कहीं कुछ नॉलेज नहीं है। अरे क्यों संविधान से आ रहा हूं, जवाब भी एक मिनट रहा हूं, एक बार फिर आज तो सरकार ने बदल दी है। भी देश में नया काम होता है, आप हिंदू राष्ट्र अखंड भारत दो पर मैंने आपकी राय सुनी, लेकिन इसी संस्कृति से जुड़ी लिए बदल दीजिए, जाइए बदल दीजिए, बातचीत कर रहे दीजिए संविधान से, एक तरफ हिंदू राष्ट्र, एक तरफ अखंड भारत। अखंड भारत का नक्शा कल नए संसद के प्रांगण में देखने को मिला, लेकिन उसी सिंगोल को लेकर बहुत लोगों ने कहा कि नहीं सब ऐसे क्यों रखा गया, लोकसभा में नहीं रखना चाहिए था। क्यों इस बात का विरोध? देखिए रजत भाई, ये बात देश में जो व्यवस्था है ना, तूतू मुंह में करने का समय नहीं है ना, तूतू मुंह में करने का विषय है। बहुत गंभीर चर्चा हो रही है और गंभीर विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। देश में हम बताइए, ये संविधान, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तमाम समस्याएं देश में है, लोगों के पास घर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, हत्याएं किस तरह से, आज दिल्ली में देखिए एक लड़की को किस तरह जघन्य तरीके से मार दिया। क्या इन सब समस्याओं से निपटने के लिए हमको संविधान बनने की जरूरत है? क्या हमको संविधान हमारे बीच में आड़े आ रहा है, हमारे देश की तरक्की के लिए संविधान कोई रोड़ा है? तो फिर बार बार संविधान, ये लोग बेरोजगार, देश की तरक्की पर बात नहीं करते, संविधान बार बार संविधान की बदलने की बात करते हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जिस तरह से देश में अराजकता फैली हुई है, जो राजनीतिक 40% कमीशन, आज ये लोग संविधान की शपथ खाते हैं ना, ईश्वर की शपथ खा करके 40% कमीशन कर्नाटक में मुद्दा बना हुआ है। क्या ये मुद्दा देश का मुद्दा नहीं है? क्या ये मुद्दा जनता का मुद्दा नहीं है? क्या ये मुद्दा इस संविधान के रहते हुए भी 40% कमीशन, जिस ईश्वर की ये शपथ खाते हैं, ये कह रहे हिंदू से इनको बड़ा प्यार है, 40% कमीशन खा रहे सांसद और विधायक और सारे जनप्रतिनिधि, आज ये मुद्दा सिर्फ कर्नाटक का नहीं है, पूरे देश का मुद्दा बनने जा रहा है। और पूरे कोई किसी से छिपा नहीं है कि देश के अंदर कमीशन का प्रतिशत कितना चल रहा है, बात इस पे नहीं करते। क्या इन सारी चीजों को, देश को आगे ले जाने के लिए संविधान कोई दिक्कत है किसी को? 20 करोड़ हिंदू रहते हैं इस देश के अंदर रजत भाई, सिर्फ 20 करोड़ हिंदू रहते हैं, उस 20 करोड़ हिंदू के लिए पूरा संविधान बदल दिया जाएगा, बाकी लोग क्या करेंगे? आदिवासी अपना सरना कोट मुझे लग रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, ये फिगर जो आप बोल रहे हैं 20 करोड़ वाली, वो शायद मुझे लगता नहीं कि वो सही है। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप उसका बाइफर्गेशन करके बताएं, उसका कोई फायदा होगा नहीं, बहस दूसरी तरफ पार्टी कोर्ट चली, ठीक है? आ रहा हूँ उदय जी, क्या सुनिए, फजील साहब सुन, रुक जाइए, मैं जानता हूँ थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, मैं उधर जाना नहीं चाहता, आ रहा हूँ 30 करोड़ दलित रहते हैं, आ रहा हूँ मुझे मालूम साहब कहाँ जाएंगे, मैं वहाँ नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि वो एक डाइवर्ट हो जाएगा, वो एक सेपरेट इशू है डिबेट में, नहीं आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके खिलाफ है, नहीं नहीं मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ साहब, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, आपको लगता होगा मैं आपके खिलाफ, मैं आपके भी खिलाफ नहीं हूँ, हमें पता है, क्या सिर्फ हिंदुस्तान में 20 करोड़ हिंदू है? पवन सर, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 20 करोड़ हिंदू ही है? पवन सर, मैं बिल्कुल इनका विरोध करता हूँ, ये कौन से आंकड़े उठा के ले आए हैं, संसद से भी अलग बात कर रहे हैं, ये यहाँ डिवीजन करा रहे हैं, स्क्रीन पर बैठ के डिवीजन करा रहे हैं, आदिवासी का सरना धर्म है, वो हिंदू नहीं है, दलित जो है, दलित और पिछड़ी जाति के लोग बुद्धिस्ट हो रहे हैं, अभी 5 करोड़ लोग बुद्धिस्ट हो गए, और ईसाई हो रहे हैं, ईसाई 15 करोड़, सिख हिंदू नहीं है, करीब से देखा है, उनके जो रीति रिवाज है सनातन के रीति रिवाज है, भाषा अलग हो सकती है, पूजा का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सनातन के रीति रिवाज हैं। दलित भाइयों को बहनों को अलग मत कीजिए, बुद्ध, भगवान बुद्ध कहाँ से आए हैं? अरे आप अलग करते हैं, हम थोड़ी अलग कर रहे हैं, आप उनको अभी देखिए, रामनाथ कोविंद जी दलित मंत्री, उसको शिलान्यास में नहीं जाने दिया गया, हमारी महामहिम को उद्घाटन में नहीं बुलाया गया,
अरे आप ही अलग करते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप डिविजन कर रहे हैं स्क्रीन पर बैठकर, ये डिविजन आदिवासी को आप मानते हैं अपना, दलित को आप मानते हैं अपना, पिछड़ी जाति के लोगों को आप मानते हैं अपना, मुसलमानों को आप मानते हैं। 370 के लिए नहीं बोले, जो और जगह हरासमेंट हो रहा है आप उसके लिए कभी नहीं बोलने आते, बहनों के लिए जो और हिंदू बहनें उनके लिए बोले कभी नहीं आते। मैंने तो कोई स्टेटमेंट नहीं बोला, मैं ट्विटर पे कभी कहता नहीं हूँ। मुस्लिम बहनों के लिए आप सब लोग आते हैं, लेकिन हिंदू बहनों के लिए वो आपकी बेटियां नहीं है क्या, वो आपकी बहने नहीं है? तो कृपा करके ये डिसाइड डिवाइसिव टेंडेंसीज बंद कीजिए। डिवाइसिव टेंडेंसीज हमने नहीं शुरू की है, हमने सिर्फ एक बात कही है कि सनातन संस्कृति इस देश की मूल संस्कृति है और उसके आधार पर हम सब प्रेम से रहेंगे। हमने कहीं भी संविधान को बदलने की बात नहीं की है। संविधान राज्य व्यवस्था, आप समझते हैं ना कि आप लोग पढ़ते नहीं है, जो सुनने वाली बात है उसमें सुनते नहीं है, तो राज्य व्यवस्था की बात ही नहीं हो रही। 1976 का जो नियम है ये राज्य व्यवस्था का नियम है, और हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सनातन राष्ट्र का नियम है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वो सबके आराध्य हैं, लेकिन हम उनकी कहाँ आराध्य की बात हो रही है, अभी सिंपल बात हो रही है, मैं राज्य व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। राज्य व्यवस्था अलग तरीके से चलती है, वहाँ पार्टी आदिवासियों का सरना धर्म है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन हम एक राष्ट्र व्यवस्था की बात करें जहाँ सब एक है, सरना धर्म है उनका। आदिवासी कह रहा है कि हमारा सरना धर्म अलग करो, ठीक है मैं आ रहा हूँ शर्मा आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, एक बार जवाब भाई के पास जा रहा हूँ, ठीक है? ये बाइफर्केशन वाली बात है, आप लोग बहस कर सकते हैं। जवाब भाई, बाबा बागेश्वर अगर कोई बात कह रहे हैं वो प्रचारक हैं, उनके अब फॉलोअर्स हैं, कौन सर आपको लाऊंगा? मैं नाम ले रहा हूँ यार, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, वो समर्थन बाबा बागेश्वर का क्या राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? जवाब साहब का ही सवाल, पवन सर हमने जनता में काम किया है। एक मिनट उदय सर आ रहा हूँ आपके पास, पवन जी उदय सर को जवाब भाई ने बोलने ही नहीं दिया। बाबा जी खुद से बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी के मुंह में शब्द देकर उनसे कुछ बुलवाएगी, मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता। तो इसलिए ये कहना कि अच्छा दूसरा पार्टी के लोग उनके साथ थे, पार्टी के लोगों का एक धर्म भी होता है, पार्टी के लोगों का एक शगल भी होता है, कोई बैडमिंटन खेलता है तो कोई कथा में जाता है, तो हर जगह पार्टी के चेहरे को पार्टी से ही जोड़कर देखा जाए तो ये ठीक नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी बात कही, जवाब जरूर लीजिएगा। बीजेपी जैसे जोड़ दीजिए ना, फिर तो बहुत सारे मुसलमान भाई जाते हैं ना वहाँ पर, तो जोड़ दीजिए बीजेपी से उनको। रजत भाई देखिए, बहुत अच्छी बात करी पवन जी ने, बहुत अच्छी बात। जवाब में एक बार कंप्लीट करने दीजिए पवन सर, जी पार्टी के चेहरे तो है ही है, लेकिन अगर वो रामायण सुनना चाहते हैं या बाबा जी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि उनको कोई धमकी मिली कुछ ये मिला, तो उसमें क्या हर्ज है, वो अपने तरीके से वहां। जवाब आपने कभी सुना कि नहीं बाबा बागेश्वर जी को?